Hi everyone. So today the topic of discussion is how to calculate the distance of sun from earth. अब ये अलग अलग तरीकों से हम बता सकते हैं. उससे पहले मैं आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा. जैसे हमारे पास एक ग्रीक मैथमेटिशियन या फिलोसोफर बोले आर्किमिडीज. उन्होंने कहा था कि द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज अराउंड 10,000 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ. यानी कि अर्थ के रेडियस का 10,000 गुना अगर आपने कर लिया तो दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. फिर हमारे पास हिपार्कस आए. उनकी कैलकुलेशन ने कहा दैट द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ शुड बी 490 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ. ये ही नहीं, हमारे पास एक और साइंटिस्ट टोलमी ने बताया दैट द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ शुड बी 1210 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ. बट ये तो इन साइंटिस्ट की बात थी. आप लोगों ने हनुमान चालीसा के बारे में सुना होगा और शायद आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करते होंगे. अब मैं आप लोगों को यहां पे हनुमान चालीसा से बताऊंगा कि कैसे हम लोग सन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम अर्थ. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ वाया हनुमान चालीसा. देखिए, मैंने हनुमान चालीसा से एक श्लोक निकाला. दैट श्लोक इज जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियु ताही मधुर फल जानु. क्या मतलब है इसका? इस श्लोक में ही छुपा हुआ है डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. देखिए, हनुमान जी ने जब सूर्यदेव दैट मीन सन को देखा तो उनको लगा कि ये तो कोई फ्रूट है और वो उसकी तरफ को जंप कर गए, छलांग लगा दिया उन्होंने. अब उन्होंने जो अर्थ से डिस्टेंस कवर किया उस सन तक, वो यहां लिखा गया हनुमान चालीसा में. और हम आज मॉडर्न साइंस में भी निकालते हैं हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. दोनों एक बार कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन कितने सिमिलर है एक दूसरे के. देखिए, यहां पे ये तीन वर्ड्स हैं, जुग सहस्त्र जोजन. क्या मतलब है इसका? अगर मैं जुग की बात करूं तो जुग यहां पे कहता है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12,000 ईयर्स. 12,000 डिवाइन ईयर्स होता है तो जुग का मतलब 12,000. सहस्त्र इज अ काइंड ऑफ मल्टीपल जो होता है 1,000. एंड जोजन, ये जोजन क्या है? अगर आप देखोगे तो जोजन होता है 8 miles. क्या होता है? 8 miles. और मैं आपको बता दूं दैट 1 mile इज इक्वल्स टू 1600 meter. अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो देखिए क्या आता है, 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8, दैट मींस ये आता है लगभग 1.536 इंटू 10 की पावर 11 मीटर. तो ये तो बात कहानी रही हमारी सन के डिस्टेंस की फ्रॉम अर्थ वाया हनुमान चालीसा. अब देखते हैं ये हमारे मॉडर्न साइंस से कितना मेल खाता है. हमारे पास साइंस में एक यूनिट है एंड दैट यूनिट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? अगर आप देखोगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. अर्थ से सन का जो एवरेज डिस्टेंस है वो हम साइंस की लैंग्वेज में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बताते हैं. और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.49 इंटू 10 रेस टू द पावर 11 मीटर, जिसको हम लगभग 1.5 इंटू 10 रेस टू द पावर 11 मीटर भी कहते हैं. अब देखिए, आपने देखा कि यहां से भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर आया और यहां से भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर आया. तो जो डिस्टेंस आज हम साइंस से निकालते हैं सन का फ्रॉम अर्थ, वो डिस्टेंस ऑलरेडी हनुमान चालीसा में बताया हुआ था कि कितना होता है.